गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, और आज हम पुनः हाजिर हैं आपके लिए करंट अफेयर्स 18 मई 2020 के कुछ खास खबरों के साथ। हम खबरों को करेंगे एनालाइज और आपके लिए करेंगे प्रश्नों को तैयार। आप भी हो जाएं तैयार, तैयारी शाला आपकी तैयारी को नई उड़ान देगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 19 मई के खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े हैं मोनी सिन्हा, मधु सिंह, रोशन राज, ईशा पटेल, निशी, सोनी, सबको शुभ प्रभात। और शुरू करने जा रहे हैं हम आज खबरों को करेंगे विश्लेषण और साथ में प्रश्नों को। ठीक है, तो ध्यान रहे, बने रहे हमारे साथ। चलिए, तो पहली खबर जो है वो इम्पोर्टेंट डेट से लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेज में जो खबर है वो है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। हर साल 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 18 मई को हर साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया जाता है। हम आगे इस खबर पे और भी विश्लेषण करते हैं कि जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है ना, ये पहली बार 1977 में मनाया गया था, 1977 में। ठीक है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2020 का जो थीम है वो है म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, ध्यान रहे, जो सब्जेक्ट है या थीम है 2020 का इंटरनेशनल म्यूजियम डे का, वो है म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब देखिए सवाल, अब सवाल को देखना है। पहला सवाल बनता है कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है, तो 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा सवाल, इंटरनेशनल म्यूजियम डे पहली बार कब मनाया गया था, तो 1977 में मनाया गया था। और तीसरा सवाल, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2020 का थीम क्या है, तो वो है म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए तीन सवाल यहां से आते हैं। और यहां पे एक और चीज आता है, चूंकि इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट तो 18 मई को होता है, लेकिन इसके पीछे कौन सी एजेंसी काम करती है, कौन सा संस्था काम करता है, वो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स। ठीक है, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स के जो प्रेसिडेंट है वो स्वाय एक्सवाय है। ठीक है, ध्यान रहे, एक सवाल यहां भी बनता है कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम जो है उसके प्रेसिडेंट कौन है, तो स्वाय अक्सय है। ठीक है जी, तो आप देखिए इन सवालों को लिस्ट करिए और उसको नोटबुक में रखिए। ठीक है, सवाल किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है एबेचुरीज से। पहला जो कंटेंट है इसमें, ईरान के ओपेक गवर्नर हुसैन काजेम पोर अरदेविली का निधन हो गया है। ईरान का जो ईरान वेस्ट ओपेक गवर्नर है हुसैन काजमपुर अरदेविली, जिनका निधन हो गया है। ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी वो कंट्री का समूह जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। ओपेक, ओपेक के गवर्नर, ठीक है, ईरान के थे हुसैन काजमपुर अरदेविली, इनका निधन हो गया है 68 साल की उम्र में। इनकी इनका जो जन्म हुआ था 1952 में हुआ था, और जो मृत्यु हुई 16 मई 2020 में हुई। ठीक है, इन्होंने ईरान के ओपेक गवर्नर के रूप में लगभग 20 साल तक काम किया। ठीक है, और ईरान रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं ओपेक के, वो 2013 से रहे हैं, 2013 से ओपेक के लिए ईरान को रिप्रेजेंट भी किया है इन्होंने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स को आप कवर करना है। ठीक है, पहला तो भाई जो हुसैन काजिम पोर अरदेविली है ना, ये किस देश से हैं, ये ओपेक के गवर्नर भी रहे हैं, किस देश से थे, तो ईरान से थे। ठीक है,
यहां पे एक चीज आता है कि ओपेक में ओपीईसी, ठीक है, तो ओपेक का फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए, ध्यान रहे, ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ठीक है। अब इसमें सवाल ऐसा ही पूछा जाता है कि ओपेक में ई का मतलब क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा एक्सपोर्टिंग, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ईरान का जन्म ईरान में, जो हुसैन काजमपोर अर्देविली है, इनका जन्म ईरान में हुआ था, ठीक है। इन्होंने 20 वर्षों तक ओपेक गवर्नर के रूप में काम किया और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव भी रहे 2013 से। अब ईरान पे जो बात आ गई, तो ईरान, अब सवाल इस तरीके से होता है कि ईरान ओपेक गवर्नर हुसैन काजमपोर अर्देविली का निधन हो गया 68 साल की उम्र में। आप बताइए ईरान का करेंसी क्या है, तो आपको जानना होगा इराल। उसी तरीके से ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो हसन रोहानी है। तो ये सवाल के क्रम हो सकते हैं और आपको इस खबर में से इतने सवाल को तैयार रखना है। अपॉइंटमेंट्स में से आते हैं, तो ये जो खबर है वो है एचडीएफसी जुबैर इकबाल, एचडीएफसी के जुबैर इकबाल जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी बनाए गए, ठीक है। एचडीएफसी में काम कर रहे जुबैर इकबाल को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया, ठीक है। एचडीएफसी बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे जुबैर इकबाल को कश्मीर सरकार के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी, वो है आरके चीवर, ठीक है जी। खबर है कि एचडीएफसी के जुबैर इकबाल, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी बने। इसके साथ में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी और चेयरमैन आरके चीवर हैं, ठीक है, खबर यही है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। 1938 में जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया गया था और इसने कारोबार शुरू किया था 4 जुलाई 1939 से कश्मीर में, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सवाल को। अब हम एक और अपॉइंटमेंट्स पे कवर करते हैं। राजेश गोयल विकम्स न्यू डीजी ऑफ नारेडको, ठीक है। नारेडको का फुल फॉर्म क्या होगा देखते हैं। राजेश गोयल डायरेक्टर जनरल बनाए गए, रियल्टर्स बॉडी है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नारेडको, ठीक है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो राजेश गोयल को बनाया गया है। इससे पहले राजेश गोयल जो है वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के, ठीक है। नारेडको से पहले, नारेडको में डीजी से पहले ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड में, ठीक है। 37 सालों से ये लीडिंग पीएसयू सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। 37 सालों से ये लगातार इसी इंडस्ट्री में अलग अलग पदों पे अपनी सर्विसेज देती रही हैं, ठीक है। और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी लीडिंग पीएसयूज हैं उसमें इनको काम का अनुभव है 37 सालों का। यहाँ पे जो नारेडको है ना, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1998 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। डीजी नारेडको के राजेश गोयल नियुक्त किए गए हैं। सवाल आपको ध्यान रखना है, राजेश गोयल, मुख्य खबर यही है कि राजेश गोयल को नारेडको का डीजी बनाया गया है, ठीक है। नारेडको का फुल फॉर्म जानना है, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, इसका एस्टेब्लिशमेंट 98 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। तो सवाल आप समझ सकते हैं कि इन इन खबरों में से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए अगली खबर में पढ़ते हैं, यह है एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स में है कि एनआरएआई टाई अप विथ डॉट पे टू बिल्ड टेक प्लेटफॉर्म। एनआरएआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, रेस्टोरेंट एसोसिएशन।
इंडिया में जो है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फुल फॉर्म है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट NRAI ने डॉट पे के साथ टेक प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए टाई अप किया है। ठीक है, हम डॉट पे भी आएंगे लेकिन उससे पहले NRAI के बारे में जान ले। NRAI का फुल फॉर्म नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये खबर, ये सवाल हो सकता है कि NRAI का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एक सवाल तो यही है कि NRAI ने, है ना, टेक्निकल प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किसके साथ टाई अप किया, तो उसमें जवाब आपको डॉट पे लेना है। NRAI का फुल फॉर्म नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद ध्यान रहे कि NRAI बेसिकली, है ना, एक फिनटेक स्टार्टअप है डॉट पे, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप डॉट पे, इससे अपना प्लेटफॉर्म तैयार कराएगी। अब ये पर्पस क्या होगा इस टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को शुरू करने का, वो आपको जानना है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये प्लेटफॉर्म डिजिटल ऑर्डर, विल स्टेटमेंट और कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग को बढ़ावा देगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि कोरोना वायरस ने कई लेसन्स दिए हैं हमें। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा जो कनेक्शन है लोगों से उसको कम करना पड़ेगा, है ना, बाहर में कम समय बिताना होगा, आपको घर में ज्यादा वक्त बिताना है। तो रेस्टोरेंट भी इस दिशा में आगे काम करना चाहती है कि भाई उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फूड्स हैं, जो बेवरेजेस हैं, वो आपको डोर स्टेप पे मिल जाए। तो डोर स्टेप पे मिलने के लिए टेक्नोलॉजी इनेबिलिटी होनी जरूरी है ताकि आपका ऑर्डर हो सके, आपका बिल हो सके और डाइनिंग आपका क्या हो जाए, कॉन्टैक्टलेस हो जाए। ठीक है, आगे इसी में है कि NRAI जो है एक अपेक्स बॉडी है भारत में, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री जो काम करते हैं उनके लिए अपेक्स बॉडी का काम करता है। ठीक है, कह रहा है कि ये जो पार्टनरशिप है ना, वो डायरेक्टली टेक ऑन करेगा ऐसे फूड टेक एग्रीगेटर्स को जो भारत में काम कर रहे हैं, जैसे जोमैटो है और स्विगी है। जोमैटो और स्विगी का काम अभी यही है। NRAI भारत का अपना, है ना, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तैयार करेगा और उसमें सभी रेस्टोरेंट को जोड़ा जाएगा ताकि हर व्यक्ति को किसी भी रेस्टोरेंट से खाना कहीं भी मंगवाने में आसानी हो जाए। ठीक है, NRAI के जो प्रेसिडेंट है वो रियाज अमलानी है। NRAI का फाउंडेशन 1982 में रखा गया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इस खबर से इतनी बातें सामने आई हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आया है डॉट पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप डॉट पे के साथ होगा, यानी जो भी प्लेटफॉर्म तैयार होगा वो डॉट पे बनाएगा। डॉट पे का जो फाउंडेशन है वो भूतपूर्व पेयू के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके जो को फाउंडर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो है सैलाज नाग और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। ये डॉट पे के बारे में है। डॉट पे एक कह सकते हैं कि एक बॉडी है पेयू का। ठीक है, और डॉट पे जो है इसके फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर सैलाज नाग है और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। ठीक है जी, चलिए अगली खबर नेशनल में से है। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डेवलप्स डैशबोर्ड, एक डैशबोर्ड बनाया है। ठीक है, किन के लिए, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। कोरोना की वजह से जितने भी प्रवासी मजदूर है, प्रवासी मजदूर का मतलब है कि बिहार के लोग बंगाल में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, राजस्थान में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, हरियाणा में काम कर रहे हैं, पंजाब में काम कर रहे हैं, साउथ इंडिया के स्टेट्स में काम कर रहे हैं, तो वो प्रवासी मजदूर हुए, यानी राज्य के निवासी नहीं है। सपोज जिस राज्य में वो काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, प्रवासी मजदूर कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी जो मजदूर माइग्रेट कर रहे हैं अपने वर्किंग डेस्टिनेशन से होम डेस्टिनेशन की ओर, तो NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए पर्पस क्या है इसका, NDMA का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, कह रहा है कि एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है NMIS। ठीक है, जो NDMA के द्वारा डेवलप किया गया है। ये डैशबोर्ड जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा जो
मजदूर या जो काम करने वाले लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं, है ना, जितने भी प्रवासी हैं जो उनका मूवमेंट हो रहा है, इसका रिकॉर्ड होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में फिर से इंडस्ट्री ग्रो करेगा, और मतलब जब ग्रो करेगा तो फिर से आपको मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, कामगारों की जरूरत पड़ेगी। तो सरकार ने इस उद्देश्य के साथ, है ना, कि भाई ये रिकॉर्ड्स भी, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, ये रिकॉर्ड्स तो हम रखेंगे ही, साथ ही साथ जो मजदूर, जो माइग्रेंट्स हैं जिनका मूवमेंट होना है वो स्मूथली, है ना, स्टेट्स के बीच में क्रॉस कर सके। चूंकि देखिए है क्या, अभी भी मूवमेंट्स तो जारी है, ट्रेन में तो बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सड़क के रास्ते से लोग गुजरते हैं तो कहीं पे बसेस चल रही है, कहीं पे बसेस नहीं चल रही है। तो जो नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो राज्यों के बीच में कनेक्शन स्थापित करने का काम करेगा, यानी एक राज्य के बस एक राज्य की सीमा तक, उस राज्य के सीमा तक लाएंगे, फिर वहां से दूसरे राज्य की बस उस सीमा तक ले जाएंगे, और इस तरीके से स्टेट्स के बीच में जितने भी स्टैंडर्ड पर्सन हैं, जो लोग मूव कर रहे हैं, है ना, उनको क्या किया जाएगा, स्टेट्स के बीच में उनको मूवमेंट को स्मूथ कराया जाएगा, ठीक है, ताकि वो आसानी से घर पहुंच पाए। सबसे बड़ी समस्या है आज सड़कों पे मजदूर जा रहे हैं, 20 20 दिन, 25 25 दिन लोग पैदल चल करके वो अपने घर की ओर जा रहे हैं, और इसमें समस्या ये भी हो रही है कि सड़कों पे दुर्घटनाएं हो रही है, कोई रेल ट्रैक पे चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी समस्याओं को कम करने के लिए, ये इस उद्देश्य के लिए नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को एनडीएमए के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। एनडीएमए का फाउंडेशन 30 मई 2005 को रखा गया था, हेडक्वार्टर इसका इंडिया में है, और जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है इसके नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। चलिए एक और खबर नेशनल से लेते हैं, वो खबर है फाइनेंस मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का फिफ्थ ट्रांस को क्या किया है, अनाउंस किया है। आपको हमने बताया था कल भी कि आत्मनिर्भर भारत के तहत कुल 5 ट्रांसेस में 20 लाख करोड़ के पैकेज को कवर किया गया है, अलग अलग हमने इन सभी योजनाओं को एक जगह इकट्ठा करके एक पीडीएफ बनाया है ना। फर्स्ट ट्रांसेस में किसके लिए था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था, चौथे में क्या है, पांचवे में क्या है, ये सारी चीजों को हमने कवर किया है, और आपको हम एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में उसको हम डाल देंगे, और उसको पढ़िएगा, उससे भी आपको कई प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। हमने बताया कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, इकोनॉमी के सुधार के लिए, है ना, पर्यावरण सॉरी मतलब जो इकोनॉमी है ना, ठीक है, उसको गति देने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया है, 5 चरणों में इसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है, ठीक है। अलग अलग, पहला दिन का कवरेज अलग लोगों के लिए था, दूसरे दिन के लिए अलग लोगों का, तीसरा अलग, चौथा अलग, पांचवा अलग, और इस तरीके से कवरेज किया गया है ताकि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो स्मूथली धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाए। अभी निचले स्तर पे हमारी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत आसानी से, इजिली लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, उनको सुविधा दी जाए, ताकि वो फिर से अपने कारोबार को, और जो व्यक्ति खाने पीने से महरूम हो रहे हैं उनको बुनियादी चीजें अवेलेबल कराई जाए, ठीक है। चलिए अगली खबर डिफेंस से है, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम 400 करोड़ रुपए का, है ना, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा अप्रूव किया गया, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTI, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को, जो कि 400 करोड़ का है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे अप्रूव किया है, ठीक है। DTIS, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, इसे अप्रूव किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि जो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, ये एक प्रकार का ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में मतलब के रूप में इसे क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स के अंतर्गत, लेकिन असिस्टेंस किसका होगा, गवर्नमेंट का, ध्यान समझिएगा इस बात को, ठीक है।
सरकार चाहती है कि ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉमन फैसिलिटी के रूप में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण हो प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट के असिस्टेंस के साथ। बनाएगा प्राइवेट सेक्टर यानी जो इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उसमें असिस्टेंस किसका होगा? भारत सरकार का होगा। ठीक है, ये 5 सालों तक चलेगा। द स्कीम विल रन फॉर 5 ईयर्स एंड एनविसेज द सेटिंग अप ऑफ 6 to 8 टेस्ट फैसिलिटीज इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट इंडस्ट्री, यानी निजी कंपनियों के साथ मिल करके 6 से 8 टेस्ट फैसिलिटीज का जो सेटअप किया जाएगा, 5 सालों तक ये रन करेगा। ठीक है, डिफेंस की अगली खबर में है, 7वां एलसीयू शिप INLCU L57 इंडियन नेवी ने कमीशन किया है। ठीक है, इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है 7th LCU शिप। अब LCU शिप का मतलब जानिए, है ना, LCU का मतलब होता है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप। ठीक है, वर्जन है इसका L57। इसे कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में और पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार का जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहां पे इसे कमीशन किया गया है। ठीक है, ये एक प्रकार का बारशिप है। ठीक है, युद्ध के दौरान लैंडिंग शिप के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसे तैयार किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड एक शिप बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फाउंडेशन 1884 में रखा गया था, हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके जो चेयरमैन और सीईओ हैं वो है रियर एडमिरल वीके सक्सेना। ठीक है, ये रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो शिप के निर्माण में, उसके रख रखाव में और उसके रिपेयर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 1884 में इसका फाउंडेशन रखा गया था, हेडक्वार्टर कोलकाता और चेयरमैन NSU है रियर एडमिरल वीके सक्सेना। जो INLCU L57 है, ये 7th LCU मार्क 4 क्लास वर्कशिप है। मार्क 4 का वर्ग का वारशिप है, ध्यान रखिएगा, मार्क 4 एक कैटेगरी है। ठीक है, पहला मार्क 4 जो वारशिप था, है ना, वो L51 था और इसे मार्च 2017 में, है ना, इंडियन एवी में कमीशन किया गया था। पहला 2017 में और सातवां 2020 में, मार्क 4। ठीक है, मार्क 4 क्लास का जो LCU वेसल्स है, है ना, ये सबसे पहले जिसका वर्जन था INLCU L51, अभी है L57, सातवां, है ना, 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 57। ठीक है, अब यहां पे एक और खबर से जुड़ा कंटेंट है, ये है कि जो नेवल स्टाफ के चीफ हैं वो है एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है जी, अब इंटरनेशनल खबरों में आते हैं, बड़ी खबर है, बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। ठीक है, अच्छा, बड़ा आश्चर्य होगा जानकर कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ठीक है, इन्होंने इजरायली नेशनल इलेक्शन में अपना जो पद था 5वीं बार के लिए सिक्योर किया। और पता है, एक कंट्रोवर्शियल पावर शेयरिंग डील हुआ है, किसके साथ? अपने राइवल के साथ। ठीक है, और राइवल जो इनके थे वो बेनी गैंट्स हैं, यानी इनके जो प्रतिद्वंदी थे उनके साथ मिल करके ही उन्होंने चुनाव जीता और पावर शेयरिंग मोड में। अब ये पावर कैसे शेयर होगा जो जानिए। ठीक है, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, है ना, वो 18 मंथ्स के लिए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पुनः 5वीं बार इसराइल के। ये नवंबर 13 2021 तक, ठीक है, वो सर्व करेंगे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। और उसके बाद जो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे, है ना, वो इनके राइवल होंगे। ठीक है, गैंट्स, और बाद में ये डिफेंस मिनिस्टर बन जाएंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बाद में डिफेंस मिनिस्टर बन जाएंगे और जो गैंट जो इनके राइवल हैं वो पुनः बन जाएंगे, पहली बार बनेंगे वो बन जाएंगे
प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो एक पावर शेयरिंग डील हुआ है कि 18 महीना हम प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद हमको डिफेंस मिनिस्ट्री बन जाना है, फिर आपको हम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। अब यहां पे इसराइल से संबंधित कुछ चीजें हैं, जान लीजिए। इसराइल का जो कैपिटल है वो यरूशलेम है, करेंसी जो है इसराइल की वो शकेल है, वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, 5वीं बार ये फिर से बनेंगे। प्रेसिडेंट इसराइल के हैं रेवन रेबलिन, ठीक है। तो ये बड़ा ही रोचक खबर है, यानी एक ऐसा नेता जो इसके प्रतिद्वंदी थे उनके साथ मिलकर के, है ना, कई बार भारत में भी अलग अलग राज्यों में प्रतिद्वंदी लोगों के साथ मिलकर के सरकार बनाने का रिकॉर्ड रहा है। तो चलिए ये एक रिकॉर्ड आपने यहां भी देख लिया, इसराइल में भी, ठीक है जी। बुक्स एंड ऑथर से एक खबर है, अ बुक टाइटल्ड वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, ठीक है। ये ऑथर किया गया है फैंग फैंग के द्वारा, ठीक है। फैंग फैंग के द्वारा लिखी गई किताब वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, ये बहुत ही रोचक किताब है, ठीक है। इसे पब्लिश किया है हार्पर नॉन फिक्शन नामक पब्लिशिंग एजेंसी ने। जो फैंग फैंग है इस बुक के ऑथर है, पब्लिशिंग एजेंसी है वो हार्पर नॉन फिक्शन है, ठीक है। दिस बुक इज अ कंपाइलेशन ऑफ ऑनलाइन डायरी एंट्रीज एंड सोशल मीडिया पोस्ट दैट डॉक्यूमेंट 60 डेज ऑफ लॉकडाउन ड्यूरिंग कोविड-19। देखो भाई, चाइना एक इतना मतलब ऐसा देश है जहां की खबरें बाहर नहीं आती है, ठीक है। बहुत ही सेक्रेट आप कह सकते हैं कि स्टेट्स के रूप में जाना जाता है, और सरकार वही खबरें बाहर लाती है जो उसके फायदे की होती है, ठीक है। मतलब रियल स्टैटिस्टिक्स, रियल इन अनाउंसमेंट्स वहां से नहीं आती है। भारत में तो पूरा पोर्टल ओपन रहता है, कोई भी किसी भी खबर को आसानी से विश्व मंच पे रख सकता है, लेकिन चाइना में ये बात बिल्कुल भी नहीं है। चाइना बहुत ही सेक्रेट स्टेट है और यहाँ पे लोगों की तरफ से कोई सूचनाएं देना, है ना, इसका फ्रीडम नहीं है। अपने यहाँ तो ये फ्रीडम है, ठीक है, राइट टू स्पीच का फ्रीडम है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, वहां पे ये चीजें बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसमें भी फैंग फैंग ने जो लॉकडाउन में एक ऑनलाइन डायरी एंट्रीज और जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसको कवर किया गया है 60 दिनों का, ठीक है। और इससे कई बातें खुलकर सामने आ रही हैं, ठीक है। ये सामने आ रही है भाई कि जो वहां पे डेट्स अभी तक काउंटिंग दिखाई गई है उससे 8 गुना वहां पे संक्रमण और डेथ्स के केसेस रहे हैं, लेकिन दुनिया से इसे छुपाया गया है। कह रहा है कि ऑन जनवरी 25, 2020 आफ्टर द चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज अ लॉकडाउन इन वुहान, फैंग फैंग बिगेन पब्लिशिंग एन ऑनलाइन डायरी, ठीक है। फैंग फैंग ने एक ऑनलाइन डायरी पब्लिश किया, ठीक है, दो मतलब जनवरी 25 से, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, उसमें लॉकडाउन से रिलेटेड कंटेंट्स को कवर करके एक बुक्स बनाया गया। चलिए बैंकिंग से खबर है, केनरा बैंक स्टार्ट्स गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल। केनरा बैंक ने गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल की शुरुआत की है। अब देखिए ये है क्या, इसको जानना जरूरी है। केनरा बैंक एक स्पेशल बिजनेस वर्टिकल जो गोल्ड लोन्स के लिए है उसे डेडिकेट किया गया। अब देखो, समझना है इस बात को कि गोल्ड लोन्स में क्या खासियत है। देखो, पैंडेमिक में लोगों को पैसे की कमी हो रही है, ठीक है ना, और जब पैसे की कमी हो रही है तो फिर वो सर्वाइवल के लिए या अपने कारोबार को और बेहतर करने के लिए, वैसे तो आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई आपके बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंट्स हैं, गोल्ड्स हैं जो यूजफुल नहीं है, तो आप वो उसके बेस पे भी आप लोन ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड गोल्ड लोन। गोल्ड के बदले में अगर रुपया लोन करते हैं तो उसको गोल्ड लोन कहते हैं, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक्स में फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए केनरा बैंक ने ये बिजनेस वर्टिकल लाया है, ठीक है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो स्कीम है वो 30 जून 2020 तक लागू होगी, और इंटरेस्ट रेट जो है अब तक का सबसे कम है, केवल 7.85% सालाना इंटरेस्ट लगेगा। सामान्य लोन में हम लोग कम से कम जो लोन की राशि देते हैं, है ना, वो हम देते हैं, मतलब कम से कम जो लोन की राशि होती है वो 8, 9, 10% अलग अलग बैंकों में,
इससे ज्यादा भी होता है 11-12, लेकिन इसे बहुत ही लोएस्ट रखा गया है, केवल 7.85% रखा गया है। ठीक है, तो जिनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। केनरा बैंक ने गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल की शुरुआत की है, 30 जून 2020 तक ये लोन कैंपेन चलेगा और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो केवल 7.85% है। केनरा बैंक के बारे में जानना चाहिए आपको कि केनरा बैंक का हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटक में है। केनरा बैंक के चेयरमैन जो है वो टीएन मनोहरन है। केनरा बैंक के एमडी एलबी प्रभाकर हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको केनरा बैंक के टैगलाइन के बारे में भी जानना है, केनरा बैंक के बिजनेस मॉड्यूल के बारे में भी जानना चाहिए। ठीक है, आपको जान लेना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, तो आज की खबरों में इतना ही, फिर हम आपके साथ कल आज की खबरों के साथ मिलेंगे। प्रश्नों को आपको क्या करना है, लिस्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि खबर तो हमारे पास बहुत सारे आते हैं और हम मुख्य खबर पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उस मुख्य खबर से रिलेटेड कंटेंट्स के साथ क्वेश्चन क्वेश्चंस तैयार करके रख लेना करंट अफेयर्स के स्टडी का मुख्य हिस्सा है, और इसे आपको नियमित करना होगा, प्रतिदिन करना होगा। और जो कंटेंट आप इसके द्वारा तैयार कर लेंगे, जो नोटबुक आप तैयार कर लेंगे, यकीन मानिए आप किसी भी एग्जाम के पहले रिवाइज करने के लिए, अगर आपको सबसे कोई बेहतर नोट्स रहेगा तो आपके द्वारा जो तैयार किया गया नोट्स है वो सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा और आपको अच्छे अंक दिलाने में मदद करेगा। प्यारे छात्रों, दोस्तों, आप इन बातों का ध्यान रखिए और क्वेश्चंस के साथ आप प्रैक्टिसेस करिए। ठीक है, और नियमित करिए, आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।